हे वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू ऐड एयरटेल पेमेंट बैंक इन फोनपे, यानी कि फोनपे में कैसे हम एयरटेल पेमेंट बैंक को ऐड कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद न करें, मोबाइल स्क्रीन पर चले। दोस्तों सबसे पहले प्ले स्टोर से फोनपे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। अगर आप एक नया यूजर हो तो अपना एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ लिंक है ऐसे एक मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। फोनपे ओपन करने के बाद होम पेज में कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। फोनपे में किसी भी बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए माई मनी पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे नीचे में जो माई मनी ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद पेमेंट सेक्शन के अंदर UPI बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप ऐड न्यू बैंक अकाउंट पर क्लिक करें, फिर आपके सामने एक लंबा सा बैंक लिस्ट चले आएगा। यहाँ से हम एयरटेल पेमेंट बैंक को ढूंढ लेंगे और उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेंगे। मेरा फोन में 2 सिम कार्ड है और जो सिम कार्ड बैंक के साथ रजिस्टर्ड है वो सिम स्लॉट 2 में है, तो हम सिम स्लॉट 2 को सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। कुछ समय बाद आपके नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद हम प्रोसेस टू ऐड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो एयरटेल बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। लेकिन दोस्तों एक चीज है जो आपने नोटिस नहीं की, वो है UPI पिन सेटअप। इस बैंक से लेनदेन करने के लिए आपको कोई भी UPI पिन सेट करने की आवश्यकता नहीं है। इसका क्या मतलब है? क्योंकि जिस पासवर्ड से आप एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन करते हो वो 4-डिजिट वाला पासवर्ड है इस पेमेंट बैंक का UPI पिन। जी दोस्तों, आपने जो 4-डिजिट वाला पिन डाल के अपना एयरटेल पेमेंट बैंक को ओपन करते हो सेम पिन डाल के आप UPI पेमेंट कर सकते हो, इसलिए आपको अलग से कोई भी UPI पिन सेट करने का आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी भी वजह से UPI पिन को रिसेट करना चाहते हो तो एयरटेल थैंक्स ऐप में आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा जिसके माध्यम से आप अपना UPI पिन को रिसेट कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप एयरटेल पेमेंट बैंक और भी कोई दूसरा बैंक को इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। तो उम्मीद करते हो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल था। तो चलो मिलते दूसरे एक वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें। गुड बाय।